अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़ुम्बुल खानज़ादा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल में पढ़ने जा रहे हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने इस एडिटर को इंस्टॉल करेंगे, डेव सी प्लस प्लस को, जो हमारा इस लैंग्वेज की कोडिंग के लिए यूज़ होने वाला है। इससे पहले वाले लेक्चर में, वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसमें जो हमारा एडिटर यूज़ होना है वो है डेव सी प्लस प्लस। तो इसकी इंस्टॉलेशन आज हम सीखेंगे कैसे होती है और उसके बाद हम एक इसका छोटा सा प्रोग्राम रन करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यह हमने खोला अपना गूगल, इसके बाद हम यहाँ सर्च करते हैं। इजीली आपको मिल जाएगा, इसको डाउनलोड करने में, इंस्टॉल करने में आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, ठीक है। सो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जहाँ से इजीली ये मिल जाए अवेलेबल, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करना इतनी मुश्किल बात नहीं है, ना ही इंस्टॉल करना। तो मेरे पास इसका सेटअप ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। आपको डाउनलोड करना है, आप इसको डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं अपने जहाँ पर आपने इसको, जिस फोल्डर में, जिस डिस्क में, ड्राइव में आपने इसको सेव कराना है। तो मेरे पास ऑलरेडी है, मैं इसको कर देती हूँ कैंसिल और हम फिर करते हैं इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। तो ये रहा हमारा डेव सी का जो सेटअप था मेरे पास। आपके पास डाउनलोड नहीं होगा, आप इसको डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं और फिर इसको रन करा सकते हैं। तो हम इसको कराते हैं रन। इस तरीके से आपका जो सेटअप है वो इंस्टॉल होगा। स्टार्टिंग उसकी इस तरीके से कुछ होगी। आपने जस्ट स्टेप को फॉलो करना है किस तरीके से आप अपने डेव सी प्लस प्लस को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी में। नेक्स्ट स्टेप इसका, आपने इसको कौन सी लैंग्वेज में करना है, जाहिर है इंग्लिश हम इसको करेंगे। आई एग्री, आपने इसको करना है नेक्स्ट इंस्टॉल। सो ये आपका इंस्टॉलेशन पे है अभी। ओके, तो इसको हम कर देते हैं फिनिश। ओके, तो हमारा डेव सी प्लस प्लस का 5.11 वर्जन जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो आपके पास ये इंस्टॉल है, आप इसको सर्च करेंगे विंडो में जाके डेव सी प्लस प्लस के नाम से, ये आपके पास ओपन हो जाएगा। इस तरीके से ये ओपन होगा और इसको इस तरीके से आपके पास ये ओपन होगा। ये मैंने इसको विंडो को मिनिमाइज़ कर दिया, तो इस तरीके से हो रही है। मैं अब आपने क्या करना है, इसको कंट्रोल एन से एक न्यू फाइल बनानी है, ठीक है। जब भी आपने इसको ओपन करना है, ये आपके पास उस फॉर्म में आएगा जैसे पहले था। आपने अपनी कोई प्रोग्राम बनाना है, आपने इसको कंट्रोल एन से न्यू फाइल क्रिएट करनी है, या आप इसको फाइल में आके न्यू कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा डेव सी प्लस प्लस एडिटर। अब हमने क्या करनी है, इसमें कोडिंग करनी है, ठीक है। हम क्या करने जा रहे हैं, एक सिंपल प्रोग्राम अपना बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, जब हमने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमें पता था कि इसके मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। ओके, तो पहले आ जाता है इसका मेन पार्ट, हेडर फाइल जो हमारे होते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम हैश से, हैश इंक्लूड आई यू डॉट एच,
उसके बाद हमारा आता है मैन फंक्शन, आई एन टी मैन, देन हमारी आती है कर्ली ब्रेसेस। अब ये हमने पढ़ा था अपना बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बीच में क्या था हम लोगों का, जो मैसेज हमने प्रिंट कराना होता है, ये हो गई हमारी हेडर फाइल, ये हो गया हमारा मेन पार्ट, मेन फंक्शन जो हमारा स्टार्ट करता है प्रोग्राम को। उसके बाद ये जो ब्रेसेस हैं, इनके बीच में हमने अपने वो मैसेज देने हैं, वो प्रोग्राम अपना लिखना है जो हमने प्रिंट कराना है। तो हम मैसेज कैसे देते हैं, सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है प्रिंट एफ, उसके अंदर हमने जो भी अपना मैसेज प्रिंट कराना है वो हम लिख सकते हैं टेक्स्ट की फॉर्म में। कैसे लिखते हैं, स्मॉल ब्रेसेस के अंदर, स्मॉल ब्रेसेस के अंदर आपने देनी है डबल कोटेशन, डबल कोटेशन आप जब देंगे उसके अंदर आपने अपना मैसेज लिखना है। तो हम यहाँ लिख देते हैं फॉर सपोज वेलकम टू YouTube चैनल, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रिंट एफ फंक्शन में मैसेज हमने दे दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेमी कोलन से इसको टर्मिनेट करेंगे। ये सर में ये सेमी कोलन जो है ये हमारा कंपलसरी है, अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपका एरर जनरेट इसमें हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा सिंपल प्रोग्राम सी लैंग्वेज में लिखने का, या आपने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, या आपने वेलकम टू द वर्ल्ड, या जो भी आपने इसमें मैसेज प्रिंट कराना है आपके ऊपर है। अब हम इसको करते हैं सेव, सेव हमने इसको किया फर्स्ट डॉट सी के नेम से, ओके। अब हम इसको कराएंगे रन, तो जब इसको हमने रन कराना है, ठीक है, ये हमारा एडिटर है, इसमें हमने कैसे प्रोग्राम लिखना है ये आपको पता चल गया। इसके अलावा इसको हम सेव कैसे कराते हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके अलावा अभी मैंने सेव किया तो आपको पता चल गया। हम डॉट सी के एक्सटेंशन से इसको सेव करते हैं। अब आ जाते हैं हम इसके कंपाइलेशन टाइम पे, मतलब रन हमने इसको कैसे कराना है, ठीक है। तो आप इसको कैसे रन कराएंगे, आप इसको यहाँ पे जाएंगे तो एक कंपाइल भी हो जाएगा एंड रन भी हो जाएगा। अगर आप इसको यहाँ पे आते हैं तो ये जस्ट कंपाइल होगा, मतलब कि अगर कोई एरर होगा तो वो आपको शो कराएगा, नहीं तो समझो डन है, फिर आप इसको रन करा सकते हैं। अगर आपने डायरेक्ट कंपाइल एंड रन कराना है तो आप इसको इस वाले आइकॉन पे जाके क्लिक करके करा सकते हैं। तो हम करा के देखते हैं इसको, तो दिस इज द आउटपुट विंडो। ये जो हमने मैसेज अपना प्रिंट कराया था वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, ये हमारा प्रिंट होके आ चुका है। इस तरीके से हमारा प्रिंट एफ फंक्शन जो है वो सी लैंग्वेज में काम आता है अपने कोई मैसेज को लिखने के लिए। अब हम मैंने आपसे क्या कहा था, अगर आप सेमी कॉलन फॉर सपोज नहीं देते हैं तो आपका क्या होगा, मतलब कोई एरर जनरेट होगा या क्या, तो हम ये करके देख लेते हैं। इसको हमने कर दिया रिमूव, अब इसको करते हैं हम सेव और कराते रन, ठीक है। अब ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे आपका कंपाइल नहीं हुआ, रेड लाइन ही आपको दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बता रहा है इन मैन फंक्शन एरर एक्सपेक्टेड सेमी कोलन, अब ये आपको ये भी बता रहा है कि यहाँ पे ये आपका एरर है, ठीक है, और बिफोर इस ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट से पहले आपका एरर है। तो अगर आपका कोई एरर आ जाता है पूरे कोड में तो वो हमारा इस सेक्शन में आ रहा होगा, भी हमारा एक एरर है, ठीक है, तो यहाँ पे एक एरर हो गया। अगर आपके एक से ज़्यादा भी एरर है तो वो हमारे यहाँ पर शो होंगे डिटेल्स के साथ, लाइन कॉलम फाइल मैसेज बकायदा मैसेज के साथ, कि इस मैसेज में आपका, इस लाइन में आपका, इस पैराग्राफ में आपका जो है वो एरर है। तो इस तरीके से हमारा ये जो एडिटर है ये यूज़ होता है। सिंपल प्रोग्राम मैंने आपको लिखना बता दिया कैसे लिखते हैं, इसको हम अब कंपाइल करके देखते हैं सेमी कोलन लगा के। इसको सेव किया और इसको करा दिया रन, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी होती हैं प्रोग्रामिंग के अंदर जो हमारी एरर जनरेट कर देती हैं। तो ये था बिल्कुल बेसिक किस तरीके से हम अपना प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, कोडिंग अपनी करते हैं C++ के अंदर, सॉरी C के अंदर, मतलब डेव C++ के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ मज़ीद न्यू सेल सी लैंग्वेज के टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।